अब जो नेक्स्ट स्टेज जो है वो हम बॉडी की बॉडी के शेपिंग में जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया, अब हम एक फाइनल स्ट्रक्चर, एक फाइनल शेप करके निकालेंगे कि बॉडी की एक्चुअल शेपिंग होती क्या है। तो अब आप देखिएगा कि अब हम कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम अब केवल बस मसल्स को स्टडी करेंगे कि कौन सा मसल का मूवमेंट कैसा होता है, थिकनेस कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये आप देखेंगे इतना प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग एक चीज़ हम लोग जो मिस कर रहे हैं वो ये मिस कर रहे हैं कि अब हम लोग एक एक चीज़ पे स्टडी करेंगे और सबको कौन से चीज़ को क्या बोलते हैं, किस लाइन की क्या वैल्यू होती है, इन सबको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, ये जो लाइन है नेक, यानी कि ये लाइन जहाँ पे गर्दन का जॉइंट है, इस जॉइंट को हम बोलते हैं नेक लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं शोल्डर लेंथ। ये जो लाइन है वो आप ऐसे, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे। ये जो लाइन है वो होता है चेस्ट फॉर फीमेल, सॉरी चेस्ट फॉर मेल और बस्ट फॉर फीमेल, यानी चेस्ट फॉर मेल और बस्ट फॉर फीमेल। ये जो है वो नेवल है और कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होता है एल्बो लेवल, उसके बाद नेवल जो होता है, उसके बाद ये जो होता है, ये वाली लाइन जो होती है वो होता है, आप देखेंगे कि इसको डेवलप अगर आप कर लें, अगर आप इसको डेवलप कर लें, इस लाइन को, एक इस कर्व को, तो ये हो जाता है आपका वेस्ट लाइन। इसके बाद जो ये एरिया होती है वो हो जाता है हिप लेवल, वेस्ट लाइन, वेस्ट लेवल भी बोल सकते हैं, इस लाइन को हम वेस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो ये एरिया है वो है नी लेवल, ये जो होता है एंकल, फिर ये है बेस और फुट, जो भी आप बोले। तो आप ऐसे धीरे 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 आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो पूरी बॉडी की जो अंडरस्टैंडिंग होगी आपके सामने होगी, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। कितने बार लोग हेड स्पेस और हेड काउंट्स कैसे पढ़ाते हैं, तो वो आप जब कॉलेज में जाएंगे या फिर उसको और फॉर्मल स्टडी, प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से डेवलप करते हैं। लोगों ने अपना अपना तरीका डेवलप किया, स्टाइल डेवलप किया, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हुआ हुआ है कि एक सिंपल चीज़ पे दो सर्कल को इंटरचेंज करके हमने पूरी की पूरी बॉडी बना ली, हमने पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, और अचानक से ये वो शेपिंग आ जाती है जो एक्चुअल शेपिंग होती है। तो शेपिंग को स्टडी करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि हम लोग ने स्टडी कर लिया है कि ये किस लेवल की बात है, कौन सा एक्चुअली एंगल है, कौन सा लाइन है, सबने स्टडी कर लिया है, तो मैं अब क्या करूँगा कि जो जितने भी एक्स्ट्रा लाइंस दिख रहे हैं मेरे को, मैं सारे लाइंस मिटाऊँगा, और जो भी जो इसको थोड़ा बहुत रिफाइन करने की हम कोशिश करेंगे, अब हम सारे लाइंस को मिटाएंगे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो गई है सब चीज़ों की, तो मैं सारे लाइंस को मिटा लूँगा अपने हिसाब से। जनरली हम क्या करते हैं कि जब पेपर पे होते हैं तो बहुत लाइट लाइन से इनको ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर्स को, फिर फाइनल वाले को हम लोग बड़े लाइन से करते हैं। और शुरू तो सोचना नहीं चाहिए कि आपने लाइट लाइंस किए या थिक लाइंस किए या क्या लाइन किए, उससे उसके अंदर जाना ही नहीं है, उसको बिल्कुल एकदम से छेड़ना नहीं है, उसको भूल जाएँ आप कि आपने लाइन्स क्या यूज़ किए हैं क्या यूज़ नहीं किए हैं। हम बहुत सारे लाइन्स को आप मिटाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे क्या। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला डेवलपमेंट जो होता है हम वो मेल के
जो नीचे वाली नीचे सर्कल जो है उसको हम लोग स्टडी करते हैं ऐसे। हमने लाइन को बैठा लिया है, ये नेक है, ये जो आया ये है, ये नेक है इसका, ये फेस हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो ये शोल्डर थोड़ा थोड़ा सा बाइसेप्स लेके आते हैं हम, इसमें थोड़ी शेपिंग हो जाती है। वो आप कितना बाइसेप्स देना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं। और चेस्ट जो थोड़ा होता है वो थोड़ा ऊपर दिख रहा होता है, क्योंकि मेल का चेस्ट जो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है। उसके बाद जो हम बनाते हैं वो ये शेप रेडी करते हैं इसको। आप देखेंगे कि मैं उसी लाइंस में ही इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं अलग से कोई लाइन डेवलप नहीं कर रहा हूँ। हमने एग्जैक्टली उसी को यूज़ किया है जो मेरे पास रेफरेंसेस थे, और उस चीज़ों को मैं यूज़ करके बना रहा हूँ। मैं मिटाता जाऊँगा जो एक्स्ट्रा लाइन्स है जो सब मैं मिटाता जाऊँगा धीरे 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 धीरे। और आप देखेंगे कि इसी लाइन्स के बाद सारा का सारा ये स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता जाएगा। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने जो मिस कर दिया है वो है ये क्रॉच लेवल, यानी कि जो जब दोनों लेग्स जॉइंट होते हैं वो क्रॉच लेवल होता है। इसको हमने मिस कर दिया वीडियो में, पिछले डिस्कशन में जो मिस किया है वो क्रॉच लेवल था। हम इसको मिटाएंगे, लेवल यहाँ पे मार्क कर लेंगे, उसके बाद जो हम इसको मिटाएंगे यहाँ पे लेके आएंगे, ये क्रॉच लेवल था। मैं एग्जैक्टली इसको इसलिए बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपको इसी हिसाब से उसको करना होगा कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाई, फिर उसको हम लोग एक शेपिंग लेके देंगे इस तरह से बॉडी में। एक एक स्ट्रक्चर को आप रीड करेंगे, लाइंस, इसके अलग अलग शेप्स, फिंगर्स जो हम बना रहे हैं वो फिंगर्स को आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे कि उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे शेप आउट होता जाएगा सब कुछ। मैंने एग्जैक्टली उसी शेप को यूज़ किया है जो हमने शुरू किया था, बस ये समझाने के लिए कि एग्जैक्टली उसी शेप से ये बिल्ट भी हो जाएगा, हमें कुछ अलग से नहीं करना होता है। अब आप इसको समझेंगे जानेंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो हिप एरिया है जो थोड़ा सा थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लेंगे और फिर इसको हम लोग इस शेप को थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे ये चेंज होता है। और ये जो ब्रॉडर लाइन है इसको और ब्रॉड हम करा लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट बना रहे हैं वो थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे। फीमेल को शोल्डर्स जो होता है तो नेक शोल्डर और इसके एरिया को हम स्टडी करके इसको ब्रॉड कर लेंगे और इसको हम और फिर नीचे लेके आ जाएंगे। इसको ये ब्रॉड होता है और ये बिल्कुल धीरे धीरे शेप अप हो जाएगा। यानी कि पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जितना स्लोली ड्रॉ करें, इतना अंडरस्टैंड करें, वो उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हमने धीरे धीरे इसको डेवलप किया है और ये एक मेल बॉडी आपके एग्जैक्टली सामने है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, बस मैंने मिटाया है और जो मैंने शेपिंग की थी मैंने बस उस शेपिंग को फॉलोअप किया है। आपके पास तो और आसान मीडियम है जो कि रेज़र है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस मीडियम को थोड़ा थोड़ा थम्स को हम डेवलप कर लेते हैं अच्छे से, फिंगर्स को वो हम करा लें, तो ये एक अच्छी सी शेप जो बॉडी की आ रही है वो वैसे आ रही है शेप।
आप उसको लेके ऐसे कर सकते हैं। बाकी जो भी बाइसेप्स हैं, जो भी थिकनेस है, वो सब आपके ऊपर है कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर बॉडी का देना चाहते हैं, बहुत लीन मॉडल है या कैसा है और कैसा नहीं है। आपके सामने एक मेल खड़ा है, हमने इसको भी मिटा दिया है और फिर हम उसको एक स्ट्रक्चर देके हम लोग ये इस शेप को भी स्टडी करके थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो नेक को थोड़ा थिक कर लिया जाए, फिर इसमें से इसको बड़ा कर लिया जाए, वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार अब हम फीमेल को स्टडी करेंगे।